कर साथियों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ रॉनिक चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टर थ्री रिजल्ट के सीरीज चलते हैं उसके अंदर पूनावाला फिपकॉप लिमिटेड का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक तारीख को आया था तो पर रिजल्ट के आने के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है अब गिरावट कितनी और चलेगी उसके बारे में बात करेंगे यहाँ से कैसा ट्रेडिंग रहने वाला है उसके बारे में बात करूँगा अगर अभी तक आपने आप तो अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैलखा को बजाना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए आज तीन फरवरी और दिन के साढ़े बारह बजे लाइव मार्केट ओपन है तो देखिए पूना वाला फेम कॉप के अंदर पहले भी मैंने कॉल दिया था जब ये 200 के लेवल के आसपास ट्रेड करा था तो जब मैंने इसमें 230 तक के टारगेट दिए तो, तो हमारे वो दो तक के टारगेट भी हिट हुए थे और टाइम टाइम पर इसमें जब भी कॉल दिया जब भी अपने सारे टारगेट हिट हुए हैं अब मुझे लगता है जो गिरावट होती है वो गिरावट हो चुके है यहाँ से वापस रिटर्न लेगा तो उसके बारे में बात करेंगे और कैसा रहा इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट क्योंकि हमने इस पर अपडेट नहीं लिया था तो इसका क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की अपडेट भी लेंगे और आगे कैसे इसका ट्रेडिंग सेशन रहने वाला उसके बारे में भी बात करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए पूना वाला फिमकॉप लिमिटेड बेसिकली काम किस में कहती है एन वी एफ के अंदर है लोन सेगमेंट के अंदर है ठीक है ना बेसिकली सारा काम इनका लोन का ही है प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट होम लोन म्यूचुअल मेडिकल लोन प्री लोन पर्सनल लोन बिजनेस लोन इस तरह के लोन के अंदर कंपनी ऑलरेडी कंपनी 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 का काम भी बहुत अच्छा है और कंपनी बहुत अच्छा वर्किंग में काम भी कर रही है तो अब इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं देखिए इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक फरवरी को आया था एक फरवरी के बाद दो फरवरी का तो इसमें गिरावट देखने को मिली अब इसके रिजल्ट के अंदर और कैसा आउटकम निकला उसके बारे में बात करेंगे तो चलते हैं इसका लैक्स के अंदर इनकम आई थी दिखाऊँ तो मैं आपको इनके लैक्स के अंदर थी इन्हें सिक्योरिटी बॉन्ड भी साइन करे चार करोड़ रुपये के ये देखिए चार हज़ार करोड़ के सिक्योरिटी बॉन्ड भी साइन करें तो ये तो अलग है इनका तो इनकी जो अर्निंग्स है वो लैक्स के अंदर आई हैं देख सकते हैं आप तो अब इसको समझते हम करोड़्स के अंदर ओवर मोटा व्यू समझेंगे क्योंकि ओवर व्यू वुल्ली एनालाइज नहीं है यहाँ से ट्रेडिंग कैसे रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग पूना वाला फिमकॉप लिमिटेड आपको एन एस सी दोनों पर स्टार्ट है इसका मार्केट कैप है बीस हज़ार दो सौ करोड़ पेगा मार्केट कैप है बीस हज़ार दो सौ करोड़ पेगा स्टॉक आर ओ पी इसका अपडेट नहीं है आर ओ सी इसका चल रहा है टू का बुक वैल्यू इसकी सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट की है रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स परसेंट की है डिविडेंड कंपनी नहीं देती है और इसकी फेस वैल्यू दो रुपये की है ठीक है अब देखिए ये कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा खत्म करा इसने बाकी कंपनी में सारे नेगेटिव साइन है अब इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए इस क्वार्टर में इसकी सेल्स हुई हैं पाँच सौ आठ करोड़ रुपए की इनके एक्सपेंस हुए एक सौ नब्बे करोड़ रुपये के और ऑपरेशन प्रॉफिट आया इनका तीन सौ अट्ठारह करोड़ का अदर इनकम है इनकी आठ करोड़ की क्योंकि अदर इनकम में क्वार्टर क्वार्टर भी अपडेट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट इनका नाइन्टी सिक्स करोड़ का और यू इस क्वार्टर में वन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स तो आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में चलेंगे सितंबर क्वार्टर टू के अंदर तो इनके ज... सेल थी पाँच सौ आठ करोड़ वो सेम ही है सेल में कोई बढ़त नहीं दिख रही बस ऑपरेशन प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली हमारे को तीन सौ नौ करोड़ से बढ़ के तीन सौ अट्ठारह हो गई है और नेट प्रॉफिट सेम है नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स और ई पी एस में बस एक परसेंट का बढ़त देखने को मिला यानी कि वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव से बढ़ गया वन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स तो ये बढ़त देखने, देखने को मिली बस ऑपरेशन प्रॉफिट में हमें बढ़त देखने को मिली तो क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में क्या करा एक्सपेंस कम करें अब चलते हैं लास्ट ईर ईयर वाइज कंपेरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर सेल थी फाइव एटीन नाइन वो घटके हुई है फाइव जीरो एट तो घट घटत देखने को मिली है ईयर ईयर वाइज सेल के अंदर और ऑपरेशन प्रॉफिट अब बढ़ती देखिए दो सौ चौरानवे से बढ़ के तीन सौ अट्ठारह हुआ था और नेट प्रॉफिट तेरह करोड़ से बढ़ के छियानवे करोड़ हुआ था ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है और ई भी देखिए जीरो से बढ़ के हुआ तो देखिए सेल तो सेल में कमी हुई है बट ऑपरेशन प्रॉफिट साथ ही साथ ऑपरेशन प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफ़िट और ईपीएस में बड़ा देखने को मिले ये री एयरवाई बट रिजल्ट मिले जुले हैं रिजल्ट ज़्यादा ख़राब नहीं है बट कंपनी की ग्रोथ डाउन हुई है यानी सेल में कमी देखने को मिली जिस वजह से शेयर के अंदर मूवमेंट बना हुआ गिरावट का गिरावट इसलिए देखने को मिली कंपनी की सेल नहीं बढ़ी है बाकी सेम यानी कि प्रॉफिट तो मेनटेन रखा कंपनी ने और साथ ही साथ ऑपरेशन प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में बड़ा तो देखने को मिली ईयर एयरवाई बट क्या करें कंपनी के सेल में बड़ा गिरावट है और सेम लास्ट क्वार्टर भी सेम सेल थे इस क्वार्टर भी सेम सेल है और लास्ट ईयर से सेल में कमी देखने को मिल रही है इस वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है अब चलते इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो इस क्वार्टर में कैसा है देखिए इस क्वार्टर में एक नेगेटिव साइन ये भी था देखिए प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज करी है ये देख सकते हैं बहत्तर पॉइंट बावन से घटकर प्रमोटर की होल्डिंग सिक्सटी एट पॉइंट ट्वेंटी फाइव हो गई है एफ आई इसकी होल्डिंग फाइव पॉइंट नाइन्टी फोर से घटकर फाइव पॉइंट एट्टी टू हो गई है और डी ने अपनी होल्डिंग भी घटाई है सिक्स पॉइंट नाइन्टी एट से घट के सिक्स पॉइंट फिफ्टी फाइव हो गई है तो देखिए यहाँ पे भी और गिरावट देखने को मिली है कि पब्लिक की होल्डिंग अब बढ़ गई है नाइनटीन पॉइंट थर्टी सेवन तो देखिए यहाँ पे इंडिकेशन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है एफ ने अपनी होल्डिंग घटाई है डी ने अपनी होल्डिंग घटाई है तो ये भी एक इंडिकेशन है नेगेटिव का अब देखते हैं इसका आज के दिन ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा वो समझते देखिए चार्ट बाकी मिला जुला है बाकी रिजल्ट ख़राब था इस वजह से इसका गिरावट देखने को मिल रही है अब आज के दिन कैसा ट्रेडिंग सेशन है आज ये ढाई परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है आज ये ओपन होता तो है दो सौ बहत्तर रुपये नब्बे पैसे पे हाई मारा इसने ने दो सौ पैंतालीस पे पैसे का लो मारा दो सौ इकसठ रुपये अस्सी पैसे का फिफ्टी टू हाई है का तीन सौ नब तीन सौ दो रुपये पॉइंट नब्बे पैसे का फिफ्टी टू लो है इक्यावन रुपये तीस पैसे का ये इसका मार्केट कैप है आज की डेट में पाँच दिन के अंदर इसने अभी तक हमारे को चार परसेंट रिटर्न दिया माइनस में वन मंथ के अंदर उसने उन्नीस परसेंट रिटर्न दिया पॉजिटिव में सिक्स मंथ के अंदर तिरपन परसेंट रिटर्न दे पॉजिटिव में ईयर टू डेट के अंदर उन्नीस परसेंट रिटर्न दिए इसने पॉजिटिव में कंपनी कब से नाइनटीन एटी एट से और इसमें पहले भी मैंने कॉल दिया था जब भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कंपनी का वर्किंग एंड ऑल तो बेसिकली यहाँ से गिरावट इसकी वजह है इसका क्वार्टर था रिजल्ट गिरावट कहाँ पर थमेगी वो देखते हैं देखिए आज के दिन पर डेली चार्ट पे एक इंडिकेशन दिख रहा है डेली चार्ट पे एक सपोर्ट लगा हुआ यानी कि दो सौ छियासठ दो सौ ये दो सौ इकसठ में देखिए आजकल लोग इतना है दो सौ इकसठ और दो सौ इक इसठ पे ही सपोर्ट लगा हुआ है दो सौ इकसठ से फिर वापस गया शेयर अब मुझे नहीं लगता अगर आज के दिन ये दो सौ इसठ के नीचे क्लोज करता तो यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी बट मुझे नहीं लगता यहाँ से गिरावट होगी क्योंकि सपोर्ट से फिर वापस आ चुका है शेयर दो सौ साठ पर अच्छी खास सपोर्ट है अब यहाँ से तेजी का दमकम फिर से आएगा वापस क्योंकि जितने रिजल्ट का इम्पैक्ट देखना होता है जितनी गिरावट होती हो चुकी है और जो भी खराब होता है शेयर के अंदर हो चुका है बट यहाँ से वापस ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है दो सौ साठ के स्टॉप लॉस से रखिएगा दो सौ साठ का लेवल टू है, तो इसमें जल्दी ही आपको यह ढाई सौ तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे बट यहाँ से दो सौ साठ का स्टॉपल लेके चलेंगे जल्दी ही अपने टारगेट हिट करेंगे हमारे पहला टारगेट हमारा दो सौ सत्तर का क्योंकि ये जो कैंडल है दो सौ अस्सी तक के यही इस इस कैंडल से सपोर्ट लेगा तो दो सौ सत्तर दो सौ दो सौ अस्सी इन तीन टारगेट बाय करिए पहला टारगेट दो सौ सत्तर का दूसरा टारगेट दो सौ दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर दो सौ पचहत्तर दो सौ अस्सी तीन टारगेट हुए बाइक के लिए पेशेंसा होल्ड रखे क्योंकि देखिए जितना भी खराब होना देखिए यहाँ पे करेक्टिव नेरों के अंदर बिल्कुल शेयर फंसा हुआ है और 260 से फिर वापस ट्रेंड वापस जा रहा है तो यहाँ से क्या करें रहा दो सौ साठ के स्टॉप लॉस अभी भी बाय कर सकते हैं आप स्टॉप लॉस के लिए रखना आपका दो का ट्रेंड वापस रिवर्सल हो रहा है ट्रेंड के अप ट्रेंडिंग में वापस देखने को मिल रहा है जितनी गिरावट होती है रिजल्ट का इंपैक्ट देखने को मिलता मिल चुका है जितना घरना था गिर चुका है अगर 260 का लेवल तोड़ता तो जल्दी ये आपको 230 तक के लेवल भी दिखागा बट यहाँ से आप एक कॉल लेके चल सकते हैं गिरावट के वास्त से आप तेज़ी के दमखम फिर से देखने को मिलेंगे इसके अंदर तो 280 तक का टारगेट आपको डाग जल्दी देखने को मिलेंगे इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर ही तो यहाँ से ये देखिए यहाँ से एम भी अब पूरा क्रॉस मूविंग गैप फेल होने का तैयार तो बैठा हुआ है यहाँ पे आज के दिन अगर 260 के 261 के नीचे क्लोज करता तो इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी बट अगर ये सस्टेंड करिएगा दो सौ के लेवल को आज के दिन तो कल इसमें तेज़ी फिर से देखने को मिलेगी आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना बोले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो